हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके चैनल एमएनसी भर पर। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही महान कहानीकार, उपन्यासकार, कथाकार जिसका नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो हम लोग हिंदी साहित्य क्लास में मुंशी प्रेमचंद जो कि उनके आधार पर कहानियों की ईगो को बांटा गया है, तो कहानी के इतिहास को विभक्त किए गए तीन कालों में हम उस चीज को अध्ययन कर रहे थे। हमारे दिमाग में एक विचार आया कि हमने क्यों पहले उससे पहले, वो तो क्लास चलती रहेगी और चल भी रही है, और साथ ही हमने सोचा कि प्रेमचंद जो कि बहुत ही महान उपन्यासकार, कहानीकार और कथाकार थे, उनके बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए। उसी चर्चा को लेकर आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं आज, जो कि आप लोग देख सकते हैं उनके बारे में आप लोग सुने होंगे कि किसी व्यक्ति के अपने जीवन काल में ही, किसी कोई व्यक्ति है उसके जीवन काल में ही उपन्यास सम्राट उपाधि दे दी जाए, वो सोच रहे कितनी उच्च स्तर की बातें हैं। ठीक, अतः उसी व्यक्ति की बात की जा रही है जिन्होंने उनके जीवन काल में ही उन्हें सम्राट उपन्यास सम्राट उपाधि दी गई। उनका नाम था मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने भारत में कुछ, उन्होंने 20 साल में कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि यूरोप में लगभग 100 वर्ष लग चुके थे। तो ऐसी क्या चीजें थी, क्या वजह थी, वो तो हम लोग लंबे लेक्चर क्लास देख रहे हैं हिंदी ऑप्शन की, उसमें भी हम लोग देख रहे हैं। ठीक, क्या वजह थी, बहुत ही बड़ा उसमें चर्चा का विषय है। और साथ ही जो भी जितनी भी कहानियां लिखी, दिन प्रतिदिन उनमें कैसे परिवर्तन आए और किस तरीके से उसने उन्होंने हिंदी समाज को एक अलग रास्ता दिया। ठीक, तो उससे पहले हम इनके जीवन पर चर्चा कर लेते हैं, क्या है इनका विषय, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है लेखन की और इनके पीछे क्या था। ठीक, तो देखिए मुंशी प्रेमचंद जी का पहला जीवन परिचय हम देखें तो इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था बनारस में। ठीक, और ठीक बनारस के एक गांव था जिसका नाम था लमरही, जिसका नाम था लमही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 ईस्वी को। उसके साथ ही इनके पिता का नाम मुंशी अजायब लाल था। मुंशी अजायब लाल जी जो थे उन क्या करते थे, डाकघर में काम किया करते थे, डाक मुंशी थे। ठीक, अब ऐसा मत समझिएगा कि डाक मुंशी होने की वजह से इनका मुंशी अजायब लाल नाम था। ठीक है, इनके माता का नाम क्या था, आनंदी देवी। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी का जो नाम था वो शुरुआती जो बचपन का नाम मुंशी प्रेमचंद ही नहीं था। वो नाम कैसे बदला, उनके नामों में कैसे परिवर्तन आए, वो भी एक जुड़ा हुआ प्रसंग है। ठीक, क्या है कि वो उनका शुरुआती समय जब उनका जन्म होता है, जन्म के समय बचपन के समय इनका नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। इनका नाम क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव। जब उन्होंने लेखन की शुरुआत की तो लेखन की शुरुआत उन्होंने उर्दू में की। ठीक, और लेखन की शुरुआत के समय उन्होंने अपना नाम नवाब राय रखा। क्या नाम रखा, नवाब राय। ठीक, तो लेखन के शुरुआत की शुरुआती समय में उन्होंने नवाब राय लिखा। तो नवाब राय से उन्होंने एक कहानी संग्रह लिखी जिसका नाम था सोजे वतन, जो कि पूर्ण रूप से क्या थी, देशभक्ति से भरी हुई थी। तो सोजे वतन जो है 1909 में लिखी गई सोजे वतन पहली कहानी संग्रह थी। सोजे वतन 1909 में लिखी गई, 1909 में वो किसे नाम से लिखे, नवाब राय से। तो जब उस समय भारत में, आप लोग पता ही होगा, उस समय ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। अगर हाँ तो दोस्तों क्या हुआ था, तो क्या किसी कारण बस क्लास तो अपनी पड़ी थी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे कि उन्होंने, उनका नाम क्या था, बचपन का नाम ऐसा नहीं था, हम उस पर चर्चा कर रहे थे। मुंशी प्रेमचंद का नाम मुंशी प्रेमचंद नहीं पड़ा, उसके पीछे भी कुछ कारण है, कुछ चर्चा का विषय है। तो मुंशी प्रेमचंद का नाम शुरुआती समय, बचपन का नाम उनका क्या था,
धनपत राय श्रीवास्तव, क्या नाम था? धनपत राय श्रीवास्तव। उन्होंने एक पहला कहानी संग्रह लिखा जिसका नाम था सोजे वतन 1909 ईस्वी में। आप लोगों को पता ही होगा 1909 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश का शासन था। तो वो जो कहानी संग्रह थी सोजे वतन, वो पूर्ण रूप से किस पर आधारित थी? वो देशभक्ति पर आधारित थी। तो जब उन अंग्रेजों को लगता है कि सोजे वतन किनके द्वारा लिखी गई है, तो पता चलता है कि धनपत राय श्रीवास्तव और नवाब राय दोनों एक ही व्यक्ति हैं। क्या है? दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो ये क्या करते थे, उस समय जॉब करते थे, नौकरी करते थे, तो उन्हें बुलाकर कलेक्टर, उस समय कलेक्टर बहुत बड़ा पद हुआ करता था, कलेक्टर ने इन्हें बुलाया और कहा कि आइए, बुलाकर इन्हें कहा कि अपना जो लिखा गया कहानी संग्रह है इसे बंद करवा दीजिए, पूरी जो प्रतिलिपियां हैं हमारे पास जमा करा दीजिए। ठीक, तो जिसकी वजह से सोजे वतन पर कह जाती है 1909 में बंद हो जाती है। ठीक, और उस समय से वो नवाब राय से लिखना बंद कर देते हैं। ठीक, और वो जो कहानी थी सोजे वतन वो पूर्ण रूप से देशभक्ति पर आधारित कहानी थी। तो फिर उनके मन, उनके जो नाम से लिखने की, जिसकी वजह से उनके ऊपर तो एक क्या हुआ, और किसी व्यक्ति के पास कानूनी रूप से आप कानूनी के निगाह में आ गए, कानून के निगाह में आ गए, पुलिस के निगाह में आ गए, जिस नाम से आप सोचिए उस नाम से न लिखा जाए तो बेहतर है। उन्होंने सोचा किस नाम से न लिखा जाए, और साथ ये भी बताते हैं और शुरुआती समय में उर्दू में लिखा करते थे, इसमें उर्दू में लिखा करते थे। ठीक, लेकिन शुरुआती से उसके बाद उन्होंने अपने मित्रों से बात करते, उन्होंने क्या अपना, उन्होंने मित्रों के सलाह से उन्होंने अपना क्या नाम रखा गया, उनका नाम मुंशी प्रेमचंद रखा गया। ठीक, तो मुंशी प्रेमचंद से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो लिखने स्टार्ट करते हुए प्रारंभिक उपलब्ध रचना आली बार प्रेमवेल की रचना जो जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक, 1903 ईस्वी में पहला उपन्यास हम खुरमा और खबाब, मतलब सबाब होगा, हम खुरमा और सबाब, 1906 ईस्वी में इनका पहला उपन्यास छपा, जो कि इनके उपन्यासों की कैटेगरी में देखें सबसे परिपक्व उपन्यास कैटेगरी में हम लोग रखते हैं गोदान। ठीक, गोदान को आखिर गोदान को ही क्यों रखते हैं, इन्होंने क्या हुआ, धीरे धीरे इनके जो लेखन की प्रक्रिया है, इन्हें धीरे धीरे परिपक्वता देखने को मिली। जब लिखने की शुरुआत कर रहे थे, इनके लेखन काल के शुरुआती समय में परिपक्वता उतनी नहीं थी, मैच्योरिटी उतनी नहीं थी, उतनी यथार्थवादी नहीं थी, अधिकांश इनके आदर्शवाद थे। फिर धीरे धीरे आदर्शवाद से थोड़ी विकास पर आए, धीरे धीरे फिर उत्कर्ष काल में आए, तो जो हम देखेंगे आगे चलकर। तो वही उनकी जो सबसे परिपक्व हम लोग कहते हैं उपन्यास था गोदान। ठीक, उसके बाद पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, वही प्रेमचंद का कहानी संग्रह बड़े घर की बेटी, जो कि 1910 ईस्वी में, ठीक, 1910 ईस्वी में बड़े घर की बेटी में संयुक्त परिवार जो होता है, संयुक्त परिवार के मापदंड दिखाए गए हैं, संयुक्त परिवार की मान्यताएं दिखाई गई है, जिसमें क्या होता है, बड़े घर की बेटी में क्या होता है कि एक मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, इसके दुख बेटे हैं सी और डी। ठीक, सी बड़ा बेटा है, इसकी शादी होती है ई से, और डी छोटा बेटा है। ठीक, क्या होता है, ई जो है बहुत बड़े घर की होती है, उसके मतलब कि सी की पत्नी जिसे सिरकंठ राय नाम था, ठीक है, इसकी पत्नी क्या होती है, मतलब कहें कि उस समय नवाब के घर से हुई रहती है, नवाब मतलब कि जमींदार घर से, नवाब मतलब जमींदार के घर से थी, जिसकी वजह से शादी सिरकंठ से होती है। ठीक, जो कि शादी होने के बाद जब इनके घर आती है ना, जो कि ई जब अपने घर आती है, तो डी क्या है, छोटा भाई सिरकंठ का, तो क्या होती है कि एक खर्चा करने में कोई भी चीज में अधिक उत्सुकता आती है इसके अंदर। ठीक, तो क्या करती है, खाना पकाती है। ठीक, तो खाना पकाती है तो डी क्या होता है, कुछ मांस लेकर आता है, मछली कहिए ना, मछली लेकर आता है, और मछली लाता है तो कहता है भाभी से बना दीजिए। तो वो क्या करती है, जो घी होता है, तो घी की जो मात्रा अधिकांश हम लोग देखते हैं जो मिडिल मध्य वर्ग में, चाहे कहें हम लोग गरीब वर्ग, गरीब तबके में कहें, चाहे मध्य तबके में कहें, हम लोग आज के सोचने के साथ कल का भी सोचना पड़ता है। ठीक, तो क्या होता है कि जो ई जो थी जब मांस पकाती है, तो क्या होता है, पूरी मांस जो की बची रहती है वो पूरी डाल देती है, जो कि उनको डी को लगता है, जो
उसे लगता है कि मात्रा में घी अधिक थी। जब वो खाना खाने बैठता है डी, तो उसे दाल मिलती है ठीक, खाना में देखता है कि दाल जब मिली है तो दाल में घी नहीं है, तो पूछता है कि दाल में घी क्यों नहीं है, तो भाभी दाल में घी क्यों नहीं है, तो ई जो है उसकी भाभी जो है वो बोलती है कि घी जितनी भी थी हमने उसे मांस पकाने में डाल दिया। तो इससे क्या होता है कि डी बोलता है कि इतनी इतना कल तो मतलब परसों ही तो घी आया इतना जल्दी खत्म, तो जिससे क्या होती है कि कुछ खरी दोनों में अनबन हो जाती है, अनबन मतलब दोनों में टकराहट हो जाती है थोड़ी लेकर। ये कुछ इसके मायके के बारे में कुछ बोल देता है, ससुराल के बारे में कहते हैं हम लोग मायके के बारे में, तो मायके के बारे में जब बोल देता है तो जिससे कि क्या होती है लड़कियां जो होती है मायके के नाम पर और ही भड़क जाती है, जिसकी वजह से भड़क गई। और इसकी जो अब डी क्या करता है जो खाम होता है उसे उठाकर इन पर भाई पर चला देता है, जिसकी वजह से इन्हें चोट आ जाती है। फिर अंततः जब श्रीकंठ जी बाहर नौकरी पर गए होते हैं वो सिर्फ शनिवार को सैटरडे को आया करते शनिवार को आया करते थे। जब शनिवार को आते हैं तो देखते हैं कि जो ई है जिनकी पत्नी है, पत्नी क्या होती है वो कुप रूप से पड़ी हुई है, कुप भवन मतलब कहेंगे एकदम पूरी एकदम क्या रूठी हुई है। तो पता करता है क्या उसकी वजह जब पता चलती है वो करता है कहता है कि हम इस घर में नहीं रहेंगे। श्रीकंठ कहता है कि हम ही रहेंगे या मेरा छोटा भाई ही रहेगा। तो जब दोनों के बीच टकराहट होती है अंत में क्या होता है जब छोटा भाई दी जब घर से निकलने लगता है और उसके अंदर गलती का पश्चाताप होती है ठीक, गलती का पश्चाताप नहीं यह क्या है यह इनके ऊपर जो प्रेमचंद थे प्रेमचंद के ऊपर आदर्शवाद उन्मुख थे, आदर्शवाद का प्रभाव है ठीक। हृदय परिवर्तन उनके शुरुआती कहानियों में हृदय परिवर्तन बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। तो फिर क्या होता है जब घर से निकलने लगता है और भाभी से माफी मांगता है तो भाभी फिर से कहती है कि जाने दीजिए ऐसा होता तो हम ऐसी गलती नहीं करती। तो अपने आप को भी गलती मानकर एक क्या करती है कि इस मामले को सुलटा देती है, इस झगड़े को सुलटा देती है। तो इसी तरह से बेनी माधव से जो ए नाम जिनके पिताजी थे श्रीकंठ सिंह जिनका नाम बेनी माधव सिंह था, वो क्या करते हैं बड़ी घर की बेटियां ऐसे ही होती है, वो चीज को दिखाया गया है ठीक। तो क्या है कि उसमें क्या है हृदय परिवर्तन के भाव दिखाए गए हैं, आदर्शपूर्ण भाव दिखाए गए हैं, परिवार की एकता की क्या 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 चीजें होती है क्या रूपता विद्यमान होती है इन सब चीजों को दिखाया गया है ठीक। वहीं आगे जब चलते हैं उन्होंने 15 फरवरी को इसको नौकरी से त्याग पत्र दे दिए। क्यों? क्योंकि आप लोग पता नहीं होगा कि आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा 1918 से 36 तक ठीक। अब देखिए इनका जो जीवन काल था 1880 से 36 था, 1936 तक था ठीक। और साथ ही हम बता दें 1918 से 36 तक छायावाद का समय ठीक। और साथ ही इस समय हम लोग बात करें 1920 के समय क्या होता है गांधीवाद का भी समय देखने को मिलता है। तो किस तरीके से प्रेमचंद पर गांधीवाद का प्रभाव था ठीक, क्योंकि प्रेमचंद जो थे वो क्या थे राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर पूर्ण रूप से नहीं भागीदारी लिए लेकिन राष्ट्र की चेतना पर उन्होंने कुछ भागीदारी निभाई। जब गांधी जी ने कहा हुआ था कि जितने भी लोग हैं सरकारी नौकरी में हैं वो अपनी नौकरियां छोड़ दें जिसकी वजह से सरकार घुटने को आ जाएगी, इन्होंने भी उस बात से प्रभावित होकर गांधी से प्रभावित होकर 15 फरवरी 1921 में अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दी ठीक। फिर क्या होता है कि जुलाई 1923 ईस्वी में बनारस में सरस्वती प्रेस की स्थापना की ठीक, 1923 ईस्वी में बनारस में सरस्वती प्रेस की स्थापना की। और हम बता दें कि जो ठीक है प्रेमचंद जी का जो था जीवन काल इतना कष्टदायी था, कहा जाता है कि प्रेमचंद को अगर पढ़ना है अगर उनके जीवन के पढ़े उनके जीवन के इतिहास को पढ़े उनके जीवन के सारांश को पढ़े तो पता चलता है जितने भी कहानियां हैं जितने भी उपन्यास हैं जितने भी नाटक हैं उन सब उनके जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। चाहे हम बात करें बेमिल विवाह, चाहे हम बात करें किसानों की समस्या, चाहे हम बात करें जैसे कि किसानों की समस्या पुष की रात गोदान ठीक, चाहे हम बात करें और सब चीजें की समस्या जैसे कि गरीब चेतना का उभार जिसे कफन में देखते हैं ठीक,
इस सब चीजें इस सदगति में देखते हैं हम लोग, तो इस सब चीजें क्या है, उनको लगता है कि उनको लगता है अगर हमको पहले अर्थ प्रेमचंद को पढ़ना है तो प्रेमचंद के पढ़ने से पहले हम उनके जीवन के बारे में जाने, उनके जीवन की घटनाएं कैसी थी। कहा जाता है कि प्रेमचंद इसलिए कहता है कि अगर प्रेमचंद को अगर हम पूरी इतिहास पता हो हम लोगों को, अगर इतिहास की व्याख्या अगर किसी एक कहानीकार के रूप में किसी एक व्यक्ति की कहानी और उपन्यासों को पढ़ करना हो तो प्रेमचंद को कहानी और उपन्यासों को पढ़ लीजिए, अधिक से अधिक आप इतिहास को समझ सकते हैं, भारत के इतिहास को अधिक से अधिक आप समझ सकते हैं। ठीक, इस चीज से क्यों, क्योंकि वो अपने समाज के जो प्रमुख चेतनाएं थी, जो दलितों की चेतना थी, जो किसानों की समस्या थी, जो जमींदारों की जो शोषण करी प्रवृत्तियां थी, वो सभी उन सब चीजों को एक उपन्यास के तौर पर कहानी के तौर पर वो समाज के सामने लाते हैं। ठीक, और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और बनारस में जुलाई 1923 में सरस्वती नाम प्रेस की स्थापना की। उन्हें जीवन काल में ही उपन्यास सम्राट की उपाधि दिया गया। ठीक, उनके जीवन काल में ही उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई और साथ ही उनके साथ ही प्रेमचंद और उनकी कहानियां। ठीक, प्रेमचंद युग 1916 से 36 तक माना जाता है। ठीक, प्रेमचंद युग हम लोग कहानी के जब इतिहास पढ़ रहे थे हमने इतिहास में कहानी के इतिहास में हमने युगों को तीन भागों में बांटा है, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद पश्चात युग। ठीक, तो वही प्रेमचंद युग जो है 1916 से 36 तक सौत से कफन तक की यात्रा। ठीक है, सौत से कफन तक की यात्रा कैसी है उन सब चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक, उन्होंने 300 कहानियां और 15 उपन्यास लगभग 3 नाटक की रचना की। ठीक, 3 नाटक की रचना की और इन्हें भारत के मैक्सिम गोर्की कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे इस चीजें बहुत ही कहीं इंटरेस्ट एग्जाम पूछा जाता है, ठीक, जब क्या तो सीयूटी जैसे एग्जाम अभी लिया जा रहा है फिलहाल 2 साल से, इन सब जैसे एग्जाम पूछा जाता है कि भारत के मैक्सिम गोर्की किसे कहा जाता है तो प्रेमचंद को कहा जाता है। ठीक, और साथ ही इन्होंने क्या किए, 300 कहानियां 15 उपन्यास लगभग 300 कहानियां, ठीक है, 300 अधिक हो सकती है, 15 उपन्यास और 3 नाटक की रचना की और साथ ही मानसरोवर 8 भागों में संकलित कहानियां है। ठीक, इनके जो चरण है, जो प्रेमचंद के जो विकास के चरण है, कहानियों के विकास के चरण है, उपन्यास के चरण है, पहले चरण में 1916 से 1920 तक जो कि पूर्ण रूप से आदर्श उन्मुख, पूर्ण रूप से आदर्श से प्रभावित, हर कहानियों में हृदय परिवर्तन ऊंचा करवा दिया करते थे, तो उन आदर्श उन्मुख कहानियां थी। उसके बाद दूसरे चरण को हम विकास चरण कहते हैं, थोड़ी उनमें यथार्थवाद की अधिक भावना देखने को मिलती है और तीसरे कहानी में चरम यथार्थवाद देखने को मिलता है जिसे हम लोग उत्कर्ष काल कहते हैं, 1930 से 1936 तक रहता है और इनके सबसे अंतिम कहानी कफन जो कि इनकी अंतिम कहानी है। कफन में देखिएगा एक गरीब की चेतना और साथ ही दलित की समस्या और साथ ही भुखमरी की समस्या एक साथ देखने को वहां पर मिली है और साथ ही जमींदारों की समस्या सभी चीजें वहां पर देखने को मिलती है। अगर हम लोग पूरी कहानियों पढ़े इनकी तो पूरी कहानी में दलित की समस्या, गरीब की समस्या, किसानों की समस्या, भ्रष्टाचार, भुखमरी, इन सभी जमींदारों की शोषणकारी प्रवृत्तियां, इन सब चीजों से जुड़े सही प्रसंग उसमें विद्यमान है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम लोगों को प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ें तो पता चल जाए कि भारत के उस समय का इतिहास किस तरीके से था, आर्थिक समस्याएं, आर्थिक उपलब्धि किस तरीके से थी। ठीक, आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक, हम लोग देखेंगे पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण में उनके विकास के काल, इसे लिख लीजिए पहले।
हम देखते हैं पहला चरण मुंशी प्रेमचंद का। पहला चरण जो इसका समय काल था 1916 से बीस ईस्वी तक, 1916 से बीस ईस्वी तक। तो उस समय में उन्होंने प्रेम पचीसी सब सरोज कहानी का संग्रह में संकलित किया। प्रेम पचीसी और सब सरोज कहानी संग्रह में संकलित किया। प्रसिद्ध कहानियां उस समय की सौ ईश्वरीय न्याय, सौ अलग हुआ की है। दूसरा ईश्वरीय न्याय रानी सरंधा, जो कि आप लोग देखेंगे कि जब हम प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां पढ़ेंगे तो उसमें रानी सरंधा, बड़े घर की बेटी जैसी कहानियां, कफन ठीक अलग योजना, सदगति जैसी कहानियां, 16 कहानियां उसमें हम लोग पढ़ेंगे ठीक। उसके बाद सखनान बैंक का दिवाला, दुर्गा का मंदिर ठीक। इन सभी चीजों से जुड़े इन सभी सबसे प्रमुख कहानियां थी कब की, पहले चरण में ठीक। पहले चरण में यह भी हम बताया कि पहले चरण की कहानियां क्या थी, आदर्श उन्मुख कहानियां थी, आदर्श सच्चाता था उनकी कहानियों में। शुरुआती समय में हृदय परिवर्तन की संभावनाएं अधिक देखने को मिलती थी ठीक। तो सौत कहानियों में क्या होता है, मध्यवर्गीय परिवार ठीक, मध्यवर्गीय परिवार की जो टकराहट होती है, जो परिवर्तन होते हुए संबंधों का मनोवैज्ञानिक चित्रण, उन्होंने मध्यवर्गीय परिवार का जो चित्रण है, परिवार का जो ढांचा है किस तरीके से बदल रही है, उन सब चीजों का चित्रण किया हुआ है ठीक। बस बात यह है कि जो मनोवैज्ञानिक जो कि मध्यवर्गीय परिवार है, उनके परिवार के बदलते ढांचे का मनोवैज्ञानिक चित्रण, इसके पीछे हम जो कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा उसके पीछे कारण क्या थे, उन सब विषय पर चर्चा करने पर तो अच्छे निष्कर्ष निकल सकते हैं ठीक। तस्वीर क्या होते हैं, उन्होंने क्या कहा उसको देखा जाए, उन्होंने क्या कहा कि उन कहानी मतलब देखा जाए उस शौक में कि मध्यवर्गीय परिवारों के बदलते हुए पारिवारिक ढांचा ठीक, परिवर्तित चित्रण या ढांचा कह सकते हैं, जो कि उन्होंने मनोवैज्ञानिक चित्रण के तौर पर खींचा हुआ है ठीक। पंच परमेश्वर में ग्राम पंचायत का आदर्श, उन्होंने पंच परमेश्वर में उन्होंने ग्राम पंचायतों के आदर्शों का उन्होंने रेखांकित किया हुआ है, जो कि ग्राम पंचायत जो है अपने स्तर पर कितना महत्व अदा करता है, कितनी अपनी महत्व को एक ग्राम के लिए कितना महत्व है और कितने आदर्श है, ये सब चीजों को दिखाया गया है ठीक। नमक का दरोगा में नौकरी में ईमानदारी, नौकरी में ईमानदारी क्या चीजें हैं, कैसी हैं, इन सब चीजों को दिखाया गया है ठीक। बड़े घर की बेटी, हमने तुरंत हम चर्चा की कहानी भी पढ़े, उस कहानी भी सुनाया उस चीज को, बड़े घर की बेटी, उसने संयुक्त परिवार की मर्यादा की प्रतिष्ठा, मतलब कि संयुक्त परिवार के ढांचा किस तरीके से बनाया जा सकते हैं, किस तरह से बने रहते हैं, क्या होता है परिवार की ढांचा क्या होती है, एक दूसरे की त्याग पट्टिकी होती है ठीक। ये तो जानते ही आप लोग, क्योंकि क्या होता है परिवार के ढांचे एक दूसरे पर त्याग पनटिकी रहे तो परिवार चल नहीं सकता ठीक। उसी तरीके से जो इसमें क्या है, संयुक्त परिवार में क्या है, एक मर्यादा और प्रतिष्ठा पर क्या है इसमें दिखाया, संयुक्त परिवार की मर्यादा और प्रतिष्ठा को इसमें दिखाया गया है ठीक। वहीं ईश्वरीय न्याय में नैतिक मूल्य का समर्थन दिखाया गया है। अगर हम बात करें दुर्गा का, अगला क्या है, दुर्गा का मंदिर में परंपरागत मूल्यों का उजागर करने वाली कहानी, परंपरागत मूल्यों का उजागर करने वाली वाली कहानी। एक बात और आप लोग बता दें, हम लोग प्रेमचंद के चरण को बांट रहे हैं, प्रेमचंद ने जिस काल चरण कहानियों में उनके परिवर्तन देखने को मिलती है उनके आधार पर हम काल को बांट रहे हैं, कहानी के इतिहास के काल पर हम बांटेंगे तो वो अलग उनका समय काल होगा ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग ठीक, लिख लीजिए इसे। हम अगले चरण पढ़ते हैं, दूसरे चरण जो कि आप लोग देखिएगा 1920 से 1936 तक चलता है ठीक, 1920 से 1930 तक चलता है कहानी, उसके बारे में अगले चरण पढ़ेंगे ठीक। इसे लिख लीजिए पहले, इसे मिटाते हैं।
आइए दूसरे चरण देखते हैं हम लोग। तो उनका दूसरा जो चरण था 1920 से 30 तक था, ठीक। तो हमने क्या कहा कि जब सुरक्षित समय कहानियां क्या थी, आदर्श उन्मुख थी, आदर्श पर प्रभावित थी, आदर्श से प्रभावित थी, सिर्फ आदर्श पर ही आधारित थी। उनका जो यथार्थ से पूर्ण थोड़ा भी लगाव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनकी कहानियों में रचनात्मक दृष्टिकोण में पर्याप्त परिवर्तन आया। तो देखिए क्या होता है कि इसी समय 1920 से 30, ठीक, और 30 से 36, मतलब इसी के मोटा मोटा समय बात करें 20 साल, जो कि इन्होंने इतनी बड़ी छलांग मारी, इतनी बड़ी कहानियों के और हिंदी की इतनी एक अलग मोड़ दिए, जिससे कि एक यूरोप में हम बात करें, यूरोप में इस काल तक पहुंचने में लगभग 100 वर्ष लग चुके थे, इस परिपक्वता तक पहुंचने में लगभग 100 वर्ष लग चुके थे। सिर्फ प्रेमचंद ने इसे सिर्फ 20 वर्षों में पहुंचा दिया, ठीक। तो उन्होंने कहा उन कहानियों में रचनात्मक दृष्टिकोण में पर्याप्त परिवर्तन, उनके रचना के दृष्टिकोण जो थी उनमें एक परिवर्तन देखने को मिलती है। और साथ ही ये क्या होते हैं, आदर्श से यथार्थ की ओर, मतलब कि जो उनकी कहानियां आदर्श थी और पूर्ण रूप से किस तरह की यथार्थ पर आ गई, वो क्या समाज की क्या सच्चाई है उस पर पूर्ण रूप से आ गई। और साथ ही उन्होंने पात्रों के चरित्र चित्र में मनोवैज्ञानिक सक्षमताओं का समावेश, जो पात्रों का चरित्र है और चित्रण है, उन्होंने मनोवैज्ञानिक चित्रण पूर्ण रूप से समावेश किया। अगर जिस व्यक्ति के कहा जाता है ना, जिस व्यक्ति का पेट भरा हुआ हो, उसी व्यक्ति के दिमाग के अंदर अच्छे विचार आएंगे, एक जैसे ताकि विचार आएंगे, लेकिन जिस व्यक्ति का पेट न भरा हुआ हो उसके अंदर किसी के विचार आएंगे, सिर्फ भोजन के, रोटी के, कपड़े के, उस चीज के विचार आएंगे, उस चीज के दिमाग में सपने बनेंगे, ठीक। तो वही चीज कहा जा रहा है, उन्होंने किसी चित्रण किया जो यथार्थ पर कहानी चल रही थी और साथ ही जो मनोवैज्ञानिक सच्चाई है, यथार्थ है, और साथ ही उनके सूक्ष्मताओं को देखते हुए उसका चित्रण किया, ठीक। तथ्य की दृष्टि से सुगठित संक्षिप्त एवं कलात्मक दृष्टिकोण, ठीक। कहानियों में नाटकीयता का अभाव, नाटकीयता देखने को मिलती है, व्यंगात्मकता, मतलब कि जब क्या होता है कि वो देखने को मिलती है, अगर मान लीजिए कोई जमींदारी प्रथा है तो जमींदारी प्रथा पर व्यंग करते हुए दिखाई देते हैं, मतलब कि कैसी प्रथा है, व्यंग उस पर करने को वहां पर देखने को मिलता है, ठीक। और साथ ही जीवंत महत्ता देखने को मिलती है। उस समय की प्रमुख कहानियां है माता हृदय, आत्माराम, गरीब की हाय, वर्जपात, सदगति, जो कि सदगति आप लोग जानते ही हैं कि एक गरीब की कहानी है, एक गरीब तब की कहानी है, साथ साथ यहाँ पर गरीब चेतने की उभार कहानी है, ठीक। परीक्षा, शतरंज खिलाड़ी, शतरंज खिलाड़ी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक राजा जो है, जो उसमें जमींदार है, जमींदार सिर्फ अपने अंदर राज्य में क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं, अपने विलासिता में विलीन है, अपने खेलों में विलीन है, लुप्त है, ठीक। बूढ़ी काकी उस चीज को दिखाया जा रहा है, बूढ़े होने पर एक व्यक्ति, बूढ़े और बच्चे में कोई अंतर नहीं रह जाता, ठीक, बस अंतर यही है, एक के जीवन की शुरुआत होती है, एक के जीवन की समाप्त होती है। तो बूढ़ी काकी में देखा गया है, जब इस कहानी को पढ़िएगा आपको लगेगा कि इस कहानी में एक बूढ़ की जो बूढ़े लोगों की स्थिति होती है उस चीज का चित्रण किया गया है। अब कहानी में इस तरह से चित्रण किया गया है। अब इस कहानी अच्छी कहानी वह है जिसे पढ़ने के बाद पाठक जैसा है ठीक वैसा ना रह पाए। तो इस कहानी में अगर हम बात करें सदगति कहानी पर बात करें, चाहे बूढ़ी काकी बात करें, अन्य कहानियों की बात करें, इस समय की आप कहानी पढ़िएगा तो इसमें लगेगा कि आपके चेतना में कुछ उभार आया, उभार ही नहीं आया तो आपके गरीब लोगों के प्रति, आपके बूढ़े लोगों के प्रति क्या होगा, आपके उनके प्रति थोड़ा सहानुभूति का भाव आएगा, सहानुभूति का भाव आएगा, ठीक। वही सुजान भगत इत्यादि, ठीक, ये सभी कहानी क्या है, एक आदर्श से यथार्थ देखने को चित्रण मिलती है, ठीक। लेकिन तीसरा जो चरण है 1930 से 1936 का, जिसे हम उत्कर्ष काल से के नाम जानते हैं, जिसे हम उत्कर्ष काल भी कहते हैं, इस काल में आदर्श से पूर्ण उत्थान, ये क्या हो गए कि उन्होंने देखा कि जो समस्याएं हैं ये सिर्फ तो कहानियों में बदल रही है, अगर सामान्य जीवन में देखें, समाज में देखें तो बदलते ही नहीं है। तो उनको क्या लगा, आदर्श की जो आदर्शवादी कहानियां थी उनके क्या, उनसे उनका क्या हुआ, एकाएक मोह उनसे भंग हो गया और पूर्ण रूप से यथार्थवादी कहानियां लिखने लगे, जीवन का यथार्थ चित्रण।
जीवन पे जो उन्होंने क्या किया, यथार्थ का चित्रण किया कि कोमल आदर्श से पूर्ण उनके मोह भंग हो चुके थे। एक कारण हम बता चुके, संवेदना की संवेदना पर पकड़ और उनकी संवेदना पकड़ में पूर्ण से गहरी पकड़ उन्होंने जमा ली, और साथ ही मनोवैज्ञानिक सूक्ष्म स्तर, मनोवैज्ञानिक का चित्रण सूक्ष्म स्तर पर करने लगे, ठीक। और साथ ही कलात्मक शिल्प में प्रौढ़ता, कलात्मक शिल्प में प्रौढ़ता और शिल्प के प्रयोग करते हुए ये भी बताया, शिल्प क्या है हम बताएंगे, ठीक है, जब क्लास करेंगे। तो उन्होंने लिखा है खुद की शिल्प जो है क्या है, लेकिन प्रेमचंद ने सावधान किया कि शिल्प में सुधार के जश्न में कथा की रोचकता को कम न होने दें, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसे भी कहानी कार है, उनका धारा व्यंग करते हुए कि क्या है कि अगर शिल्प की कहानी शिल्प में सुधार करते समय, शिल्प में और लोग सुधार करते हैं तो सुधार करने के चक्कर में आपकी जो कहानी की रोचकता है, ठीक, वो समापन हो जाए। इसीलिए कहानी शिल्प न सुधरे भले ही, लेकिन कहानी की रोचकता को बरकरार रखना आवश्यक है, ठीक। तो वही शिल्प में प्रौढ़ता देखने को मिलती है, अर्थ गर्भित और मर्म स्पर्शी, मतलब की सहानुभूति का भाव देखने को मिलता है अर्थवादी चित्रण में, ठीक। उनकी प्रमुख कहानियां पुष्किरात जो कि एक किसान की समस्या, और सांस उपकर्ष से लदे किसान की समस्या जो कि एक जाड़े के दिन में, जो कि उस जाड़े के समय में उसकी रातें कैसे काटनी पड़ती है, उस चीज की समस्या दिखाई गई है। मतलब हम कहें एक गरीब किसान या किसान की समस्या दिखाई गई है। और ठाकुर का कुआं, ठीक, समझ गए ठाकुर का कुआं किस पर कहानी आधारित होगी। बेटो वाली विधवा जो कि अमोहन कहे कि क्या होता है कि उनके माताजी का देहांत बहुत कम ही समय में हो जाता है, ठीक है, लेकिन उनके पिताजी दूसरी शादी करते हैं, ठीक। तो उनका जो जीवन है, हम लोग बात करें पूर्ण रूप से उनके जो कहानी पढ़िएगा, अधिक से अधिक कहानी उनके जीवन से ही जुड़ी हुई है, ठीक। उसके बाद कहानी ईदगाह की बात करें या हम लोग कफन की बात करें ये सभी कहानियां कफन जो कि गरीब की बात की गई है, कफन जो कि किसी व्यक्ति के मरने से पहले कुछ रुपए नहीं मिलते, लेकिन मरने के बाद क्या होता है, उसे नए कपड़े चढ़ाने देते हैं उसे, और वही पांच जब क्या ना यीशु और माधव ठीक दो व्यक्ति थे, तो वो चीजें कहानी हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किसी व्यक्ति के मरते समय किसी एक रुपया नहीं मिलता और रुपये उसे उस समय मिलते तो क्या हो सकता है, उससे हम दावा करा सकते थे व्यक्ति ठीक हो सकता था, लेकिन मरने के बाद कफन के लोग कुछ रुपए देते हैं, उससे क्या फायदा, ठीक। ईदगाह में एक क्या होता है, एक छोटे बालक की समस्या, और क्या होती है किसी समस्या आ जाने से परिवार में एक छोटा बालक कितनी मैच्योरिटी प्री मैच्योरिटी देखने को मिलती है, मतलब प्री मैच्योरिटी मतलब समय से पहले बड़े हो जाना यहाँ पर देखने को मिलती है, उसकी परिस्थितियों की वजह से ये सब चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये हमारा मुंशी प्रेमचंद का पूर्ण रूप से जीवन का, और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि इनका लास्ट कहानी कफन ही था, ठीक, जीवन का अंतिम कहानी कफन ही थी। तो ये था हमारे मुंशी प्रेमचंद का जीवन का चित्रण, ठीक। अब हम लोग अगले जब समय में पढ़े, अगले जब किसी जीवन किसी कहानी का अपने सर्प चित्रण करेंगे, उनका नाम है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, उनको भी हम लोग अच्छी तरीके से चित्रण करेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रेमचंद और प्रसाद में क्या अंतर है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद। तो चलिए अगले क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी।